हाय फ्रेंड्स, आज मेरा जो वीडियो है वो पाइनएप्पल कोनियर पे है। ये मेरे पास एक पेड़ है पाइनएप्पल कोनियर का हैंड टेम, जिसका ये बच्चा है जिसको मैंने हैंड फिटिंग पे लिया था। इसको मैंने अपने ओपन एवियरी में छोड़ रखा है। ये मेरे ओपन एवियरी बना रखी है मैंने इसके अंदर। ये अभी हवा से बचने के लिए मैं छत पे है, इसलिए क्या सब जगह एक तरफ से खुला है और दो तरफ से पैक कर दिया ताकि डायरेक्ट हवा नहीं लगे। आज ये सनकनूर का जो पेड़ है उसका फीमेल बीमार हो गया था, तो मैंने इनको रिलीज कर दिया ओपन एवियरी में और फीमेल को अलग क्वारंटाइन कर दिया है। दो फीमेल बीमार है सन की, तो उनको मेडिसिन दी है और हैंड फीडिंग दिया है। ये मेरा कॉकटेल का कॉलोनी है, इसमें अल्बाइनो है, ब्लैक फेस है, उसके बाद लूटिनो है, मिक्स में है सब। ये मेरे पास जावा के दो पैर भी हैं, जो अभी मैंने 5-7 दिन पहले ही इस केज के अंदर डाला है। ये पहले ओपन एवेरी में खुले ही थे, तो ये क्या कर रहे थे कि कॉकटेल के बॉक्स में जाके नेस्टिंग कर ली थी इन्होंने, इसलिए फिर मैंने इनको सेपरेट दे दिया है केज और बॉक्स। एक तरफ बॉक्स लगाया, एक तरफ मटकी लगा दी है। और यहाँ नीचे शुगर ग्लाइडर है मेरे, जो मैं रात को वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि ये रात को ही निकलते हैं, दिन में निकलते नहीं हैं। ये देखिए, ये सभी साथ में ही रहते हैं। ये देखिए, इनको भी बॉक्स देना पड़ता है और एक कॉटन का कपड़ा डालना पड़ता है। ये पूरा दिन भर सोए रहते हैं और रात को एक्टिव हो जाते हैं। इनको खाना रात को डालता हूँ मैं, पानी भी रख दिया है। इसके बाद यहाँ मेरा जंबो साइज़ जेब्रा का सेटअप है। किसी किसी ने अंडे दे दिए हैं, किसी के बच्चे निकल गए थे। ये देखिए, फुल साइज़ जेब्रा है। उस मटकी के अंदर तो फीमेल बैठी हुई है अंडों पे। ये देखिए, आपको मेरा सेटअप कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करें, और इसके अंदर से क्या मैं चेंज कर सकता हूँ थोड़ा सा मुझे हिंट्स दें। एक यहाँ मेरा लवबर्ड का कॉलोनी है, लवबर्ड की कॉलोनी है, इसके अंदर मैंने बॉक्स लगा रखे हैं, नेस्टिंग भी चालू कर दी इन्होंने। ये देखिए, ये पूरा कॉलोनी है लवबर्ड का। एक होकोरोमो बजीज का पेड़ मेरा इधर है, इसको सॉफ्ट फूड डाल दिया मैंने और इसमें शायद एक बच्चा निकला भी है। ये देखिए, तीन अंडे खराब कर दिए। एक अंडे में से बच्चा निकला था, बंद कर दूंगा मैं। इसको अभी मार पड़ी है, ये बैठ गया था यहाँ पाइनएप्पल के केस पे, तो इसको काट कर गया पाइनएप्पल के अंदर और ये खून निकाल दिए। ये पाइनएप्पल कोनियर बहुत ख़राब होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, इसलिए इनसे मैंने यह स्टेज में डाल दिया। सही हो जाएगा ये।
आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये मेरा सेटअप है, मेरा सेटअप कैसा लगा? इसके अंदर काफ़ी बजीज मैंने छोटी साइज नॉर्मल बजीज खुली छोड़ रखी है, वो आराम से ब्रीडिंग भी करती है। और मेरा जो ये दूसरे बर्ड जो दाना वेस्टेज कर देते हैं, नीचे गिरा देते हैं, तो उसको ये बजीज खा लेती है, जिससे मुझे दाना वेस्टेज में नहीं जाता मेरा।